नमस्कार दोस्तों, गुरुटेक चैनल में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हायर का एलईडी टीवी मेरे पास आया था रिपेयरिंग के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो कंडीशन है इसकी, मैंने स्टैंड बाय में इसका मोड कर दिया है और अभी मैं ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए ऑन करने के बाद इस कंडीशन में क्या बदलाव आता है। देखिए यहाँ पर मैंने ऑन किया तो देखिए एक थोड़ा सा ब्लिंक हो जाएगा डिस्प्ले। देखिए यहाँ पर एक सेकंड के लिए आया था, एक सेकंड के लिए आया और चला गया। अभी देखिए ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये प्रॉब्लम एक तो बैकलाइट का होता है या बैकलाइट में जो सर्किट होता है या मदरबोर्ड से जो वोल्टेज होते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने अभी टीवी खोला है और चलिए देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टैंड बाय में अभी वोल्टेज है, अभी मैंने टीवी ऑन नहीं किया है। स्टैंड बाय में वोल्टेज आपको दिख रहे, वोल्टेज लगभग करीब ओके है, लेकिन यहाँ पर जितना चाहिए उतना यहाँ पर वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है यहाँ पर एलईडी को बैकलाइट में जो वोल्टेज आता है यहाँ पर वोल्टेज आके चले गए, ये भी कम्प्लीटली ओके दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर कभी हम थोड़ा सा देखेंगे बारीकी से तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर खराब हो चुके हैं। जो आउटपुट के कैपेसिटर है जो वोल्टेज फिल्टर करते हैं, तो मैं अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं मदरबोर्ड खोलता हूँ क्योंकि जो नए टेक्नीशियन होंगे वो वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज ओके है तो फिर मदरबोर्ड का वोल्टेज चेक करेंगे, बैकलाइट का वोल्टेज चेक करेंगे। वो तो ओके दिख रहा है तो सीधा आप बैकलाइट खोलेंगे। तो बैकलाइट खोलने के पहले कभी आपको ऐसा दिखता है मदरबोर्ड में कभी कैपेसिटर या कुछ फुला हुआ दिखाए तो उसको चेंज कर लो, उसके बाद आप बैकलाइट चेंज करो, नहीं तो कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड खोलेंगे और ये जो कैपेसिटर है ये मैं चेंज करके देखता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्टर वायर है सब, ये सब निकाल देता हूँ। यहाँ पर कनेक्टिंग हुए है यहाँ पर, ये थोड़ा सा अलग करता हूँ और धीरे से यहाँ पर मदरबोर्ड को निकालना है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाया ये टीवी के अंदर, ये जो प्रॉब्लम आता है ये कभी कभी बैकलाइट का 99% प्रॉब्लम होता है और 1 या 2% में कभी कभी ये अपना मदरबोर्ड का प्रॉब्लम होता है, लेकिन 1-2% में ये ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर आता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर कौन कौन से कैपेसिटर बदलने से हमको ये मदरबोर्ड चालू हो सकता है या बैकलाइट का जो वोल्टेज है ओके हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो मदरबोर्ड है और यहाँ पर ये आपको कैपेसिटर दिख रहे आउटपुट में, तो ये आउटपुट में जो कैपेसिटर लगे है ना, यहाँ पर 330 माइक्रोफेरेड और 25 या 35 वोल्ट के होंगे ये, तो ये कैपेसिटर खराब हो चुके हैं। हालांकि जो बैकलाइट को जो वोल्टेज आता है वो कैपेसिटर तो अच्छा है, लेकिन ये कैपेसिटर जब हम बदलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर धीरे धीरे हमें ये जो कैपेसिटर है उसको निकालना है, क्योंकि ये जो कैपेसिटर होते हैं ये दोनों साइड से सोल्डरिंग होते हैं और सोल्डरिंग करते समय एकदम धीरे से इसको निकालना है, क्योंकि इसका ट्रैक खुल ना जाए। कभी ट्रैक इसका खुलता है या ट्रैक कट हो जाता है तो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व होने से रहा। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं धीरे धीरे ये जो कैपेसिटर है इसको निकाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अभी कैपेसिटर की हालत देखिए, सब ओके दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा फूला हुआ है। ओके, कभी ये फूलता नहीं तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम जो है ये कैपेसिटर से आता है। ओके, देखिए मैंने अभी तीनों के तीनों कैपेसिटर निकाल दिया है, अभी तीनों के तीनों कैपेसिटर नए डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर निकाले, यहाँ पर जो कैपेसिटर के होल है ये ब्लॉक हो चुके हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ क्योंकि नए कैपेसिटर डालने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर देखो कि थोड़ा सा मेहनत का काम है ये,
एक मिनट लगेगा उसको कंप्लीट करने में। तो तब तक आपने कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे जब आप देखोगे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चैनल में बताया है मैंने, और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन चैनल के अंदर दिया है। जो भी एलईडी एलसीडी या हो या यूएसबी प्लेयर हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जितना हो सकता है उतना मैंने मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। जो भी नए टेक्नीशियन है वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत काम के वीडियो होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी नए कैपेसिटर ले लिए हैं, यहाँ पर थोड़े से चारों की चार तीनों के तीनों कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिए हैं, और ये कैपेसिटर है 450 UF, 35 वोल्ट के, यहाँ पर मैंने ये लगा दिए हैं। और ये कैपेसिटर अभी मैं फिटिंग कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, सोल्व होता है या नहीं होता है, वो देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर क्या करना है। ओके, तो स्किप मत करना। तो यहाँ पर मैंने अभी देखिए तीनों के तीनों कैपेसिटर नए डाल दिए, लेकिन नए कैपेसिटर डालते वक्त एक सावधानी रखना दोस्तों, नए टेक्नीशियन को बता रहा हूँ मैं, पुराने टेक्नीशियन के लिए नहीं है। नए टेक्नीशियन क्या करते हैं, हर घड़ी में ये जो कैपेसिटर है ये उल्टे पुल्टे लगा देते हैं, या प्लस माइनस देखते नहीं है, और कभी उल्टा कैपेसिटर लग चुका है तो मदरबोर्ड खराब होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जब कैपेसिटर हम लगा रहे हैं तो प्लस माइनस बाजू देख के ही यहाँ पर कैपेसिटर चेंज करना। ओके, तो यहाँ पर ये यह हमारा कैपेसिटर लग चुका है, यहाँ पर अभी थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर सॉल्डिंग कर देता हूँ। ओके, जहाँ पर हमें थोड़ी शंका है वहाँ पर सॉल्डिंग कर ही लेना। ओके, तो ये हमारा अभी देखिए ये हो गया कंप्लीट। तो अभी देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है हमारा कंप्लीट हो पाता है या नहीं, या बैकलाइट हमें चेंज करनी पड़ती है। लेकिन मेरे तजुर्बे से ऐसा लगता है कि हमें बैकलाइट नहीं चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था ये कैपेसिटर का ही है। ओके, तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने अभी सब सब तो कंप्लीट कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड सबसे पहले मैं फिटिंग करता हूँ, क्योंकि ऐसा हम चेक करने जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी हम अभी वीडियो बनाते बनाते यहाँ पर इधर उधर मदरबोर्ड सरक गया तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं एक दो नट यहाँ पर लगा देता हूँ मदरबोर्ड को, और बाद में मैं फिटिंग करूँगा। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं एक नट लगा के यहाँ पर स्क्रू लगा के यहाँ पर कंप्लीट आपको पिक्चर आता है कि नहीं दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने सब वायरिंग वगैरह लगा दिया है, अभी ये पीस रेडी हो चुका है चेक करने के लिए। अभी देखते हैं यहाँ पर चेक करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा मदरबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलिए देखते हैं, अभी मैं पीस को उठाता हूँ और देखिए यहाँ पर ये देखिए आगे से अभी देखो मैं ऑन करने जा रहा हूँ, और ये ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं अभी इसको थोड़ा सा टेका लगा देता हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पर मैं अभी मेन लाइट दे दिया, और ये देखिए स्टैंड बाय का लाइट तो लग चुका है। ओके, अभी मैं थोड़ा सा मोबाइल को रख देता हूँ, क्योंकि मुझे एक हाथ से पकड़ना नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये स्टैंड बाय का लाइट तो लग चुका है, अभी मैं स्टैंड बाय से निकालता हूँ टीवी को। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ पर ऑन हो चुका है टीवी, अभी देखिए फ्लेम इट आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कंप्लीट फोकस आ चुका है और टीवी भी ऑन हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट। ओके, अभी मैं पिक्चर भी लगा के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको कोई शंका ना हो। ओके, तो चलिए मैं ये भी लगा देता हूँ, ये देखिए पिक्चर आ चुका है, पीस एकदम कंप्लीट ओके हो चुका है दोस्तों। ये वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।